Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. That is chapter number. I think it's chapter number 6. यही था, है ना? So let us start with our topic. And our topic is some basic definitions. मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा था, वो अभी मैथ फर्स्ट में मैंने भी आप लोगों को ये ज्योमेट्री बताई थी ना. वहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स क्या होते हैं, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इन सब की डिफिनेशंस मैंने बताई थी. ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है क्या, यहाँ पे लाइंस के कई टाइप्स होते हैं. लाइंस जो होती हैं वो उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. उसमें से कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे देखो ये है आपका वर्टिकल लाइन. ठीक है, ये क्या है हमारा वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये आपका है स्लैंट लाइन, स्लैंटिंग लाइन सॉरी. एंड ये होता है आपका कर्व लाइन्स. ये क्या है, कर्व शेप में ये दिखाई देगा आपको. ठीक, ये थोड़ी सी झुकी होगी, मतलब ना बिल्कुल स्ट्रेट ये नहीं होती है, ये हल्की सी झुकी ऐसे होती है. ठीक है, इसको स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं. ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कही जाएगी. और ये हमारी क्या है, वर्टिकल्स लाइन है. ठीक है, अब पॉलीगन्स क्या होते हैं. तो पॉलीगन ये भी आप लोगों ने पढ़ा है आई थिंक, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं. पॉलीगन जो होता है ना, एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक बंद आकृति होती है. ठीक, और जिसमें थ्री या मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट इसमें जुड़े होते हैं. मतलब थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट मिलके एक क्लोज फिगर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं. ठीक, अब पॉलीगन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो अगर थ्री साइड है, ये जो पॉलीगन्स होते हैं ना, इनको इनके साइड के बेसिस पे हम इनको इनके टाइप्स हम मतलब क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है, मीन्स अगर उसके एक बंद आकृति है और उसमें थ्री साइड्स हैं तो उसे बोला जाएगा क्या, ट्रायंगल. अगर फोर साइड है और एक क्लोज फिगर है, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. अगर फाइव साइड हैं और एंड वो क्लोज फिगर है, पॉलीगन में ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वो क्लोज फिगर होना चाहिए. अब आपको लाइन सेगमेंट तो ऐसे भी तो दिख सकती है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी पॉलीगन नहीं है. ठीक है, तो ये जो फाइव साइड है और एनक्लोज फिगर ये बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन. मतलब अगर फाइव साइड होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, पेंटागन. ठीक है, सिक्स साइड है तो हेक्सागन, सेवन साइड है तो हेप्टागन, एंड एट साइड है तो ऑक्टागन, नाइन साइड होता है तो उसे नैनोगन बोलते हैं, और अगर टेन साइड है तो उसे डेकागन बोलते हैं. ठीक है, सर्कल क्या होता है, तो सर्कल भी एक राउंड शेप इनक्लोज फिगर है, जो किससे बना होता है, कौन सी लाइन से, कर्व लाइन से बना होता है. ठीक, ये जो लाइन है, देखो ये कर्व लाइन को शो कर रहा है ना, तो ये क्या होता है, एक क्लोज राउंड शेप क्लोज फिगर होता है. ठीक है, जिसमें एक सेंटर होता है और सेंटर से उसकी साइड डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है. सेंटर से आपका सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है. ठीक, रिमेंबर करने वाली पॉइंट क्या है, कि अ सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट. जो सर्कल है वो उसको हम कभी भी पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बना नहीं होता है. ठीक है, अ सर्कल कैन हैव मेनी रेडियाई एंड डायमीटर्स. एक सर्कल के पास बहुत सारी रेडियस हो सकती है और डायमीटर भी हो सकता है. मतलब ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये है ऐसे. तो ये सब मतलब बहुत सारे इसमें रेडियस हो सकते हैं. रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई. ठीक है, और डायमीटर भी देखो ऐसे बना देंगे, सेंटर से ही जा रहा है सब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर. मतलब बहुत सारे डायमीटर भी हो जाएंगे. रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे दिया गया. ठीक, सॉलिड शेप, सॉलिड शेप क्या हो सकते हैं, जो शेप आप लोगों ने टू डायमेंशन में पढ़ा था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उसी का जब थ्री डायमेंशन फिगर आ जाता है ना, तो उसमें उनका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है. मतलब टू डायमेंशन मतलब कि सिर्फ आपके पास लेंथ और हाइट होती है, सॉरी लेंथ और ब्रेथ होता है. क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है सिर्फ. लेकिन थ्री डायमेंशन में क्या हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ के साथ आपकी हाइट भी आ जाती है. क्या होता है, हाइट हो जाती है. देखो ये तो लेंथ एंड ब्रेथ था सिर्फ, लेकिन इसमें अब ये इसकी हाइट बता रही है, ये जो है ना इसकी हाइट बता रही है. इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम, देखो अगर ये सिंपल ये होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं. लेकिन अब ये कंप्लीट ऐसे बन रहा है ना, तो ये क्यूब बोला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है क्यूब. इसमें कितने फेसेस होते हैं, सिक्स फेस होते हैं, 12 एजिड होती हैं एंड 8 वर्टेक्स होता है.
क्यूबाइड, इसमें भी सिक्स फेस होते हैं, 12 इजिट्स होते हैं एंड 8 वर्टेक्स होता है. ठीक, कोन, कोन में क्या होता है, 2 फेसेस होते हैं सिर्फ. ठीक है, एक आपका फ्लैट ये जो दिख रहा होता है वो, और एक कर्व ये वाला है. ठीक है, 1 इजिट होती है, ठीक, एंड 1 वर्टेक्स होता है आपका. ये आ गया सिलेंडर. सिलेंडर क्या होता है, इसमें 3 फेसेस होती हैं, 2 फ्लैट होंगी, मतलब सॉरी कर्व, इसमें मैंने गलत बोला, सॉरी. देखो ये फ्लैट फिगर कही जाएगी और ये कर्व बोली जाएगी. ठीक है, तो वैसे इसमें भी ये 2 फ्लैट हैं और ये जो है ये क्या है, कर्व है. ठीक, 2 इजिट होते हैं इसमें, ये और ये, एंड इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है. स्फीयर में क्या होता है, सिर्फ एक फेस होता है, वो भी कैसा होता है, कर्व्ड होता है. इसमें ना तो कोई इजिट होता है ना ही कोई वर्टेक्स होता है. ठीक, कुछ नेट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या देगा, नेट्स ऑफ 3D शेप. तो आप एक खाली बॉक्सेस ले लीजिए, देखो जैसे ये स्वीट बॉक्स हो गया, ये ऑयल कोन हो गया, ठीक है, क्यूबाइड, ये क्यूबाइड या चॉकलेट बॉक्स हो गया, ये बर्थडे कैप हो गया. तो इनको कट करिए, ठीक, और इनको ऐसा कट करिए ना कि ये बिल्कुल इनका जो शेप है वो फ्लैट फिगर में शो करे, समतल बिल्कुल. ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये जो आप कट कर रहे हो ये आपका क्या होता है, नेट ऑफ द डिफरेंट शेप होते हैं ये. ठीक, मतलब इनकी, इनको आप ऐड करके ऐसे बॉक्स बना सकते हो. तो इसको, इन बॉक्सेस को ऐसा कट करिए कि ये वापस से उस शेप में आ जाए. ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे. तो क्या है, लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट. ये मैंने आप लोग को मैथ फर्स्ट की बुक में पढ़ाया है. फर्स्ट क्या कर रहा है, ज्वाइन द गिवन पॉइंट्स टू मेक लाइन सेगमेंट, नेम द लाइन सेगमेंट. आपको सबसे पहले इनको ज्वाइन करना है. ठीक है, एक एक मैं फिर से बता दे रही हूं. देखो आप इनको ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ए एंड बी हो गया ना, ये एंड बी हो गया ना. तो यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट को कैसे लिखोगे, ये लाइन सेगमेंट है ना, तो ये हो जाएगा ए बी. ठीक, ऐसे आप सी डी को, बी वाले में सी डी को ऐसे ऐड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे पी की को आप कर लीजिएगा, फिर आर एस. ठीक है, इस तरह करना है. इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग रेज, इन रेज के नेम देने हैं आपको. तो देखो एक्स वाई है, लिख दिया. ठीक, किधर ये, जिधर ये एरो दिया गया होगा, आप यहाँ पे जब एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो उधर साइड में ही एरो दीजिएगा. मान लीजिए एक्स की तरफ होता तो हम एक्स की तरफ देते हैं, अभी वाई की तरफ है तो मैंने वाई की तरफ दिया है. ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर्स के नेम देने हैं आपको. तो ये रे है तो बस वही ए बी ऐसे करके रे कर दीजिए. ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ दीज लाइंस इन टू डिफरेंट वे. आपको इन इन लाइंस को अलग अलग नेम से, आपको दो अलग अलग नेम से आपको राइट करना है. तो देखो इसको एम एन लिखो या फिर एन एम लिखो, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. तो दो तरह से ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स सॉरी वाई जेड लिखो या फिर जेड वाई लिखो, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें. ठीक है तो वही लाइन. तो इस तरह इसको करते हैं. फिर नेक्स्ट आपको क्या आता है एक्सरसाइज, बेसिक ज्योमेट्री. क्या है ये, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स, प्रत्येक पॉलीगन्स के नेम आपको राइट करने हैं. तो अभी पीछे यहाँ पे डिफिनेशंस मैंने बताया था ना, टाइप्स बताया था ना, अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल होता है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड है तो पेंटागन होता है. तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, ये 3 साइड है तो हम इसका नेम राइट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल. ये 5 साइड है तो पेंटागन, ऐसे करके लिख लीजिएगा. सेकंड क्या कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको ट्रू एंड फॉल्स राइट करना है इन स्टेटमेंट के अगेंस्ट. तो इसको कैसे करेंगे आप, द वर्ड ट्राइंगल मीन्स 3 साइड. द वर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसमें 3 साइड होते हैं. तो ये ट्रू है ना, तो ट्रू हो जाएगा ये. ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड, सही है, ट्रू करिएगा इसको भी. ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बिल्कुल सही है, स्क्वायर के सभी एंगल्स सेम होते हैं. ठीक, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, गलत है ये. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, गलत है ये भी. सर्कल हैज ओनली 1 वर्टेक्स, सर्कल के पास कोई वर्टेक्स नहीं होता है, तो रॉन्ग है ये. ठीक,
क्योंकि इसने दिया केवल एक वर्टेक्स होता है जो कि गलत है. अ सर्कल हैव हैज अ सेंटर, सर्कल के पास एक सेंटर होता है, ये सही है. ठीक है, इस तरह इसको ट्रू फॉल्स लिख लीजिएगा. इसके बाद क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द ईस्ट सॉलिड बिलो इट. आपको जो ये सॉलिड दिए गए हैं इनके नाम बताने हैं. जैसे ये क्या है आपका, ये आपका क्यूबॉइड है ना, ये आपका क्यूब है. देखो जैसे यहाँ पे ये वर्ड दिया गया ना, इन्हीं फिगर्स के थ्रू आपको यहाँ पे नाम राइट करना है. कर लीजिएगा. मैच द टू कॉलम्स, इनको मैच करना है. ट्रायंगल कौन सा है, तो देखो थ्री साइड जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. स्क्वायर कौन सा है, तो ये रहा आपका स्क्वायर. रेक्टेंगल कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा एंड सर्कल वो हो जाएगा. ठीक है, इसको इस तरह करिएगा. 6.3 क्या कह रहा है कि ज्योमेट्री स्टोरी. ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरीज, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग फॉर गिवन डायमीटर. यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, उनका रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको फार्मूला बता दे रही हूँ. जब रेडियस हमें पता कर, सॉरी ऐसे डायमीटर जो होता है वो होता है 2 × r. मतलब अगर रेडियस दिया गया होगा ना, तो रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा. ठीक, अब वहीं पे रेडियस जो है आपका, अगर रेडियस गिवन है तो इसको लिखेंगे डायमीटर अपॉन 2. मतलब डायमीटर को आपके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें रेडियस मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर 44 दिया गया ना, 44 सेंटीमीटर. तो आप इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे साइड में कर लीजिएगा. ठीक है, तो देखो 44 अपॉन 2 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे. ठीक है, तो 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 22 आएगा. तो 22 सेंटीमीटर जो हमारा है वो क्या जाएगा, रेडियस हो जाएगा. ठीक है, ऐसे इसको करिएगा, ऐसे सेम इसको ऐसे भी करना है. द डायमीटर ऑफ अ सेंट्रल पार्क इज 70 मीटर. एक सेंट्रल पार्क है जिसका डायमीटर है वो 70 मीटर है. ठीक, देयर इज अ फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द पार्क. एक फाउंटेन जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पार्क है. मतलब ये मान लीजिए ये पार्क है सर, एक सर्कुलर पार्क, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है. ठीक है, एंड सेवरल पोल्स एट इट्स बाउंड्री. और बहुत सारे पोल्स हैं इसके बाउंड्री पे. मतलब यहाँ पे पोल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द फाउंटेन. फाउंटेन से आपको डिस्टेंस पता करना है पोल्स की. मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस. तो ये क्या पूछ रहा है आपको, डायमीटर दिया गया है, पूछ क्या रहा है रेडियस. ये रेडियस ही तो हुआ, हाफ ही तो पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा रेडियस. तो यहाँ पे भी रेडियस ही हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 70 मीटर अपॉन 2, तो जाएगा 35 मीटर आंसर. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. सेम थॉट का भी यही है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू एंड ओ एम. ऑल्सो फाइंड ओ एम इफ पी क्यू इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. आपको पी क्यू एंड ओ एम के बीच में रिलेशन बताना है. तो जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के. मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है ना, है ना, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर. ठीक, और ओ एम की वैल्यू बतानी, मतलब रेडियस की वैल्यू बतानी है कब, जब हमें डायमीटर गिवन है. तो डायमीटर में क्या गिवन है, 22 सेंटीमीटर. तो 22 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा. ठीक है, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील. देखो यहाँ पे डायमीटर बताना है, तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देना है. 2 × 18 cm इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला, लुक एट द सॉलिड इन फिगर इन पिक्चर. डी एच इज इक्वल टू एच जी. डी एच इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी सी. ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सब क्या है, बराबर है. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू स्पॉट, नेम देम. तो आपको इसमें कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको वो बताना है, और उनका नेम भी राइट करना है. ठीक है, तो ये काम आप देख के कर सकते हो. देखो एक रेक्टेंगल यहाँ पे है. ठीक, अब ये इसमें तो सारे बराबर हो गए,
ये तो बराबर हो गए थे, तो स्क्वायर कहे जाएंगे ना, ये सब आपस में बराबर थे तो स्क्वायर होंगे। तो ये इधर साइड तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये इधर सेम है तो ये इधर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो आप अब आप काउंट करिएगा कि कितने हैं इसमें रेक्टेंगल्स और उनके नेम राइट करिएगा। ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर इज गिवेन टू यू, एक स्क्वायर जो है वो 4 सेंटीमीटर का है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ स्क्वायर यू कैन मेक फ्रॉम इट, आपको मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्क्वायर पता करना है जिसमें आप इसको इसमें बना सकते हो। तो एक तरह से उसने एरिया की बात की है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16, 16 यूनिट ऑफ स्क्वायर आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, यूनिट पूछ रहा है ना, एक पूछ रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तो कितने बना लोगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर इज कट इंटू यूनिट क्यूब्स, हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स विल यू फाइंड इट। तो आप अब इसको आप खुद करोगे, कैसे करोगे, मैंने बताया ना इसका सेम उसी बेसिस पे आप इसको इसमें भी यही निकालना है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप इसको निकाल लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अप्लाई एन स्किल क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवेन, गिवेन ऑब्जेक्ट जो है उनके शेप आपको बताने हैं। ठीक, इन सर्कल द नेम ऑफ द शेप ऑफ द दीज ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल इन गिवेन ग्रिड, आपको इन सर्कल करना है इसमें जो ऑब्जेक्ट ये दिए गए हैं वो किस किस कौन से शेप के हैं। जैसे ये क्यूबाइड आपका दिख रहा है, ये आपका सिलेंडर दिख रहा है, ये आपका कोन है, तो इस चीज को इसमें ढूंढ के आपको करना है। ठीक, पजल्स के फॉर्म में है, इसको आप करिएगा। ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम डिफरेंट साइड और एंगल्स विल लुक डिफरेंटली, फ्यू एग्जाम्पल्स आर शोन बिलो। देखो, फेस ऑफ अ बॉय, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो अलग अलग साइड से अलग अलग एंगल को दिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हमें दिखे गए हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये साइड व्यू देखे हैं हम फेस का, और ये फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल व्यू है। ठीक है, ये उसका टॉप व्यू है, और ये क्या है आपका, फ्रंट व्यू है। मतलब थोड़ा सा ये साइड में, देखो साइड में रखा गया है, तो इसको एंगल व्यू कहा जाएगा। एंगल कैसे दिख रहा है देखो यहाँ से, है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, टॉप ऊपर का हिस्सा, और आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे आपको बताना क्या है कि व्हाट व्यू ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम डज द पिक्चर शोन। तो पिक्चर जो शो कर रहा है उसमें टीचर का कौन सा व्यू दिखा रहा है, तो फ्रंट व्यू है ना, तो फ्रंट व्यू पे टिक करेंगे। ये सामने बिल्कुल देखो सामने दिख रहा है ना, है ना। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ट्रैफिक जंक्शन इन द सिटी, ये ट्रैफिक जंक्शन इन द सिटी का है। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ व्यू इन दिस, तो इसमें कौन किस तरह का व्यू है, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, या साइड व्यू है। तो ये तो हमको लग रहा है कि ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक, तो इसको फ्रंट व्यू नहीं होगा, ये टॉप से लिया गया है। ठीक, अब आप इसको देख लीजिएगा, टॉप हो गया साइड। ठीक है, तो करिएगा इसको, तो आपको ये एक्सरसाइज आज खत्म करना है। ठीक, चलिए इतना करिएगा, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।